हलचल टीवी न्यूज। सीरियल नागिन में आज शक के घेरे में है शिवान्या और उस पर लगाए जा रहे हैं कई आरोप। घर के सभी सदस्यों के सामने ऋत्विक के डैड के फ्रेंड लगा रहे हैं शिवान्या पर नागिन होने का आरोप। चलिए दिखाते हैं आपको भी। सर, तेरी तसल्ली के लिए मैं शिवान्या को नीचे बुलाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो नागिन नहीं हुई ना तो ठीक है, हम तेरे सामने खड़े हैं, तुझे जो करना हो कर ले। ऊपर अपने कमरे में। शिवान्या बेटा नीचे आओ। शिवान्या अभी नीचे आ रही है। शिवान्या क्या हुआ बेटा? राम्या बोल रही थी। शिवान्या पर लग रहे हैं सभी घर के सदस्यों के सामने नागिन होने के आरोप, लेकिन इन सबके बीच कोई है जो दे रहा है शिवान्या का साथ। अजी ये और कोई नहीं है उनके पतिदेव ऋत्विक। अपनी बीवी को वो कर रहे हैं पूरा सपोर्ट और लड़ रहे हैं सारे घर वालों से शिवान्या के लिए। शिवान्या के तो होश यहाँ बुरी तरह उड़े हुए हैं और ऊपर से ससुर जी ने यहाँ कर दिया ऐलान कि वो सच का पता लगाएंगे। उनके पास एक तरकीब है, ये सुनकर तो नागिन और भी बेचैन हो उठी। अब नागिन की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। कैसे करेंगे शिवान्या इस परीक्षा को पार, ये जानना दिलचस्प होगा। मेरी पत्नी के बारे में और कुछ मत बोलिए। अरे यार वो तेरी पत्नी नहीं है, वो एक नागिन है, नागिन जो इस घर में सिर्फ बदला लेने आई है। कट, ओके। बेटा तू इस नागिन की बातों में बता, ये लोग जंतर मंतर जादू टोने सब जानते हैं, इंसानों को वश में करते हैं ये लोग। और ये तू नहीं बेटा, इसका जादू बोल रहा है, ये नागिन है। आंटी प्लीज, शिवान्या मेरी पत्नी है, वो कोई नागिन नहीं है। अरे यार वो तेरी पत्नी नहीं है, वो एक नागिन है, नागिन जो इस घर में सिर्फ बता लेने आई है। तू देखना धीरे धीरे वो इस घर के सभी मेंबर्स को खत्म कर देगी। चुप क्यों शिवान्या, जवाब दो, तूने दी थी इसके सवाल का जवाब। क्या बयान है, इल्जाम है, सही तो है कि वो नागिन है और बेचारा ऋतिक इतना इनोसेंटली उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसकी साइड ले रहा है कि नहीं ये नागिन नहीं हो सकती, हाउ कैन शिवान्या बी द नागिन, वो मेरी पत्नी है। एंड किसी भी पति के लिए आई थिंक इट वुड, आई मीन ही इज नॉट गोना बिलीव किसी के कहने भी कि वो नागिन है, बिकॉज जो वक्त ऋतिक शिवान्या के साथ गुजार रहा है और जिस तरह से मतलब जिस तरह से उससे प्यार करता है, आई डोंट थिंक कि वो उस पर शक करेगा। एंड आई थिंक लव इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड loving someone blindly, so that's what Ritik was doing. लेकिन आपके डैड देखे हैं कि जैसे वो भी जेम्स बॉन्ड बन बोले ना कि कुछ उपाय हैं उनके पास, वो जेम्स वो जेम्स बॉन्ड ही हैं, वो हर डायलॉग ऐसे बोलता है, देखना पड़ेगा करना। सो या दैट्स व्हाट, अभी एक ही तरीका है पता लगाने का कि शिवान्या नागिन है कि नहीं, तो वो मुझे भी नहीं पता कि क्या है स्क्रिप्ट में आगे क्या होगा, बट let's see if I find out whether she's the Naagin. That would be interesting. ये पूछेंगे कि अगर मान लो अभी तो इल्जाम लग रहे हैं, अगर ये साबित होते हैं तो क्या रिएक्शन होगा कि पत्नी अगर आपकी नागिन हो, what will be your reaction? Actually ना मैं सीन के बारे में हर रोज़ सोचता हूँ, जब से ये शो स्टार्ट हुआ है, कि जब मुझे पता चलेगा कि शिवान्या नागिन है तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। सो यू गाइज हैव टू कीप वॉचिंग नागिन टू सी माई रिएक्शन, कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा उस टाइम। मैंने भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा वो सब कुछ, कि रोऊं या मानूं या नहीं मानूं, विल बी सो मच यू नो अंदर ही अंदर इतनी ही गो थ्रू सो मच एट दैट टाइम, यानी एक्चुअली बिलीव भी नहीं होगा लेकिन दिमाग कहेगा कि नहीं है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट गोना बी अ क्रेजी रिएक्शन। अदा का भी कहीं ना कहीं बदला हुआ रूप नज़र आ रहा है, काफ़ी अलग दिख रही है अदा, क्या कहनी है? आधा अभी फिलहाल घर में घुसी है और वो शिवान्या बनकर रह रही है, तो आई एम गेटिंग टू रोमांस बोथ आधा एंड शिवान्या, सो आई एम द लकी मैन। दोनों ही बहुत सुंदर हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं एज को स्टार्स ऑल्सो, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे। एंड आई एम से एंड इवन स्टोरी वाइज इफ यू सी फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम टू वॉच शेषा इन द फॉर्म ऑफ शिवान्या विथ ऋतिक इन द हाउस। काफ़ी अलग, सो देयर इज अ बिट ऑफ कॉमेडी टू इट, देयर इज अ
there's a nice flavor of drama to it, and I think that's what लोगों को वो पसंद भी आ रहा है एंड आने वाले एपिसोड्स में वो लोग को बहुत मज़ा आने वाला अर्जुन को कितना मज़ा आ रहा है मुझे तो आ ही रहा है मैंने कहा कि आई एम लकी मैन एंड नॉट ओनली बिकॉज यूजुअली ऐसे सीन्स को अब नॉर्मल शोज में ऐसे सीन्स होते नहीं है बट देर इज सो मच ड्रामा एंड ट्विस्ट एंड टर्न एंड कॉम्प्लिकेशन सो इट्स फन टू प्ले इट देखिए टी आर पी इज आई बिलीव इज जस्ट अ नंबर लोग कैलकुलेट करते हैं और इसे एक नंबर फॉर्म में डाल दिया है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं और लोगों को शो पसंद आता है तो फॉर मी अप्रिसिएशन इज जब मैं कहीं जाता हूँ और लोग कहते हैं हमें आपका शो बहुत पसंद है यू नो वी रियली लव द ड्रामा एंड वी रियली लव योर केमिस्ट्री वी रियली लव द रोमांस तो दैट इज़ माई अचीवमेंट नंबर्स इज़ गुड फॉर चैनल्स एंड प्रोडक्शन हाउसेज एंड स्टफ एक्टर को बस प्यार चाहिए होता है जो ऑडियंस दे रही है और मैं बस वही सोचता हूँ थैंक यू अच्छा जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से डर था कि सर सामने नहीं आया आज वो चीज़ होते हुए नजर मतलब आते आते रह गई वेल हाँ बट अभी तक भी बाहर आई नहीं है तो आई थिंक बहुत एक हिट एंड मिस सिचुएशन है शिवन्या के लिए कि उसको लगता है कि अभी बस उसकी सच्चाई सबके सामने आने ही वाली है बट देन इट डजंट हैपन ऑब्वियसली ऋतिक ऑल्सो कम्स टू हर रेस्क्यू और पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे यामिनी जी यू नो वो शक करती हैं कि शायद देयर इज समथिंग रॉन्ग विद शिवान्या बट एवरी टाइम शी इज प्रूव्ड रॉन्ग सो या इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग आई एम आल्सो वेटिंग टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट लेकिन आज मतलब ऋतिक आपको काफ़ी अच्छे से डिफेंड करते हैं मतलब आपको बचाते हुए नजर आए मतलब पति धर्म जी वो हमेशा ही करते हैं आई थिंक ऋतिक का कैरेक्टर ही ऑलवेज सपोर्ट्स शिवान्या एंड स्टफ सो अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है कोई और मतलब जासूस बनते नजर आए कि एक और उपाय है अच्छा वो हमें भी नहीं पता अभी आई थिंक स्क्रीन पे मैं कुछ और लिख के आया था बट अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो चेंज होते ही पता चल जाएगा आपकी मतलब टेंशन अभी रहेगी ना जी 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 बिल्कुल रहेगी नेक्स्ट सीन तक तो आई एम श्योर थैंक यू आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़